तो हेलो गाइस, एक और नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। और गाइस, इस वीडियो में हम इमरजेंसी लाइट बनाएंगे। और गाइस, इस वीडियो में अगर आपको कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी तो मैं वीडियो के एंड में उसका डायग्राम दे दूंगा। तो गाइस, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड। गाइस, वीडियो अपनी स्टार्ट हो गई है। गाइस, ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक स्विच का बॉक्स है, इसी में हम अपनी इमरजेंसी लाइट जितने सामान है सब लगाएंगे। और गाइस, ये हम 4 वोल्ट की बैटरी यूज़ करें, 4 वोल्ट आप जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं, 4 वोल्ट की बैटरी है गाइस। तो गाइस, ये भी मेरे पास ये 4 आयन डायोड है, इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं आपको वीडियो के पीछे पता चली जाएगा। और गाइस, ये चार्जिंग पॉइंट है जो बैटरी को चार्ज होगी जिससे। और ये गाइस 220 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसको भी आपको पता चल जाएगा कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। और LED है गाइस ये। और गाइस, जैसे देख सकते हैं रोटरी है, जो लाइट जो हमारी लगेगी उसको थोड़ा धीम तेज करने के लिए, थोड़ा धीमा तेज। और गाइस, इसके ऊपर का ये नॉब है। और गाइस, ये रही लाइट जो इसके ऊपर लगेगी। तो फटाफट गाइस इमरजेंसी लाइट बनाते हैं और बने रहिएगा वीडियो के एंड में। और कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। होल करने हैं तो पहले वो सारे होल कर लेते हैं गाइस। ऐसे पहले इसमें हमें ये रोटरी होती है इसको पहले लगाना है हमको यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे पहले इसको होल कर लेते हैं। तो गाइस, जैसा देख सकते हैं इसमें काफ़ी होल हो चुका है। जैसे देख सकते हैं गाइस, आप ये होल हो चुका है। तो गाइस, जैसा देख सकते हैं इसमें होल हो चुका है, ये देखिए गाइस। और इसको मैंने इसमें लगा दिया है और इसको मैंने सेट टाइट कर दिया, जैसा आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट ही हमारा जो रोटरी था अब एकदम फिक्स हो गया है, एकदम हिल नहीं रहा गाइस, ये एकदम फिक्स हो गया गाइस ये इसमें। और गाइस, अब इसमें चलते हैं फटाफट जैक के लिए, इसमें होल करते हैं हम लोग। जैसे देख सकते हैं इसमें जो जैक लगा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे यानी ऊपर साइड से होल कर देते हैं। इसमें हमने सब कुछ फिक्स कर लिया है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जैक हमने फिक्स कर लिया, LED फिक्स कर लिया है। वीडियो लेंथी ना हो इसलिए हम आपको इसमें फिक्स करते हुए नहीं दिखाएं गाइस। तो गाइस, अब कनेक्शन पे चलते हैं इसके। तो गाइस, पहले हम इसमें डायोड लगाएंगे, जो IN4007 डायोड है ये। तो गाइस, पहले इसको हम इसमें लगा लेते हैं, देख सकते हैं जैसा आप। इसका जो एनोड कैथोड को ध्यान रखते हुए, जैसे जो आगे जो वाइट वाला होता है गाइस, इसके जो आगे वाइट वाला है वो LED के नेगेटिव पॉइंट पे जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं। जो बड़ी लेग होती है उसकी वो पॉजिटिव होती है और जो छोटी होती है उसकी नेगेटिव होती है गाइस। तो फटाफट अब पहले इसको फिक्स कर लेते डायोड को इसके साथ। तो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं LED के नेगेटिव पॉइंट पे हमने फिक्स कर दिया है, जैसा आपको दिख रहा है वो देखिए गाइस ये। अब गाइस, जो LED का पॉजिटिव पॉइंट है उसमें पहले हम 220 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो गाइस, ये 220 ओम्स का रेजिस्टेंस है मेरे पास, इस पहले इसको हम लगा लेते हैं इसमें हम। तो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं ये 220 ओम्स का रेजिस्टेंस लग गया है, ये 220 और ये डायोड लग गया गाइस। और गाइस, ये इसका ये पॉजिटिव पॉइंट है जैक का और ये नेगेटिव पॉइंट है। जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको हम LED के पॉजिटिव पॉइंट के साथ डाल दे रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट को हम LED के पॉजिटिव पॉइंट से ज्वाइन कर दे रहे हैं। और गाइस, इसका जो नेगेटिव पॉइंट है इसको डायरेक्टली जो डायोड में इधर साइड जो डायोड जोड़ते हैं डायरेक्टली गाइस LED के नेगेटिव पॉइंट से डायरेक्टली जोड़ना है गाइस। डायरेक्टली उसको मैंने इसके साथ जॉइंट कर दिया गाइस, जैसा आप देख सकते हैं, ये देखिए गाइस। गाइस, इसके साथ पहले बैटरी अब जॉइंट करते हैं। गाइस, मैं बैटरी में हमने पहले 2 वायर जॉइंट कर चुका था, उसको यहाँ पे हम फिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और गाइस, इसका जो ये नेगेटिव पॉइंट, जैसे बैटरी के ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव। तो गाइस, इसका जो नेगेटिव पॉइंट है इसके डायोड के इस साइड पे होगा और इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो LED के इस पॉइंट पे होगा। तो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से वायर ज्वाइंट हो चुके हैं हमारे, ये देखिए गाइस।
नेगेटिव को इसके साथ डाल दिया, पॉजिटिव को एलईडी के पॉजिटिव पॉइंट से डाल दिया, देख सकते हैं आप। और गाइस अब इस पर हम बस गाइस देख सकते हैं, ये मैंने रोटरी में दो वायर ज्वाइंट कर लिए हैं, काफ़ी अच्छी तरह से ज्वाइंट हो गए हैं गाइस ये। अब गाइस पहले इसमें क्या करना होगा हमको, पहले ये जो बैटरी है उसमें दो वायर और ज्वाइंट करने होंगे हमें। तो गाइस आप आपको बताएंगे कि इसमें जो लाइट होती है गाइस, हमारे पास जो लाइट है इसमें कैसे हम इसमें वायर ज्वाइंट करेंगे गाइस। तो गाइस पहले इसका जो एक पॉजिटिव मतलब ये नेगेटिव पॉइंट है गाइस इसका, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं इसको मैंने दोनों वायर ज्वाइंट कर लिया है। और गाइस अब इसका जो ये पॉजिटिव पॉइंट है इसमें गाइस जैसे लाइट में देख सकते हैं आप, ये पॉजिटिव पॉइंट इसमें लिखा हुआ है पहले से ही, ये पॉजिटिव पॉइंट लिखा है, उधर साइड नेगेटिव पॉइंट का स्क्रीन पे शायद ना दिख रहा हो, चमक होगी इसे। गाइस पहले हम इसको इसमें जोड़ लेते हैं। और गाइस इसका जो नेगेटिव पॉइंट है उसको नेगेटिव के साथ जोड़ ले रहे हैं। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं दोनों वायर ज्वाइंट हो चुके हैं, ये देखिए गाइस। गाइस अभी थोड़ी बैटरी चार्ज नहीं है गाइस, तो अभी काफ़ी लाइट चल रहा है, तो पहले गाइस बैटरी थोड़ी चार्ज कर लेते हैं फिर आपको हम दिखाते हैं। इसको मैंने फेस से चिपका लिया है और इसके जो वायर थे ज्वाइंट वैसे ही ज्वाइंट हो गए। गाइस को पहले ऊपर से पैक कर लेते हैं, चारों स्क्रू जो इसको लगा लेते ऊपर साइड गाइस पहले हम। गाइस ये लग चुका है और गाइस ये रहा इसका नॉब जो इस साइड पे इसके लगेगा। गाइस जैसा आप देख सकते हैं इसको अब हम आपको दिखाएंगे इसका चार्जिंग पॉइंट चार्ज हो रहा है कि नहीं पहले। तो ये गाइस देख सकते हैं गाइस लगाते हैं, मेरा ये ब्लू लाइट तो ब्लिंक करने लग गई है, देखिए जैसे ही मैं इसको निकालूंगा वैसे ऑफ हो जाएगी, ये देखिए गाइस। और इसकी रोशनी आप देख ही सकते कितनी अच्छी रोशनी है इसकी, ये देखिए गाइस काफ़ी इसकी अच्छी रोशनी है, आप देख सकते हैं ये देखिए गाइस। जैसे इसको थोड़ा धीरे धीरे तेज भी कर सकते हैं गाइस हम, ये देखिए। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं कि हम बाहर आ चुके हैं, काफ़ी अंधेरा है और देखिए गाइस हमारा जो टॉर्च है काफ़ी अच्छे वर्क कर रहा है और कितनी रोशनी है इसमें आप देख ही सकते हैं जैसा स्क्रीन पे, जैसा आपको दिख रहा है कितनी काफ़ी अच्छी रोशनी। गाइस आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और गाइस लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि उसकी जो लाइट की रोशनी थी कैसी थी, अच्छी थी कि नहीं करते। तो मिलते हैं गाइस बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, अगली वीडियो तब तक के लिए बाय बाय।